फ्री बसेस हैं उनमें सफर करने का, इसको जो है फ्री टिकट है। वेट कर रहे हैं, इस तरफ से एक बस जा रही है, टिकट मिली है मुझे और ऋषि को। शिवाजी नगर के बस स्टॉप पर आ चुके हैं, इधर थोड़े बैग्स के दुकान है, वहाँ पर जाकर अम्ब्रेला कुछ अलग अलग डिजाइन है ये वन, क्योंकि इन बसेस में तो बहुत सारा ट्रैवल किया हुआ है ना, बहुत फैसिलिटीज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीना ब्लॉग। कैसे आप सब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं और रईसू यहाँ से निकल रहे हैं शिवाजी नगर के लिए, वहाँ पर जाएंगे। रईसू का स्कूल बैग लेना है मुझे, तो आज टाइम मिला है जाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ हमारे बेंगलुरु में जो फ्री बसेस हैं उनमें सफ़र करने का, मतलब मैं अक्सर जाती हूँ अपने बाइक पर, तो आज मैं जाऊँगी बस में, बस का एक्सपीरियंस करवाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ को जो है फ्री टिकट है, टिकट नहीं है उन्हें, तो उन्हें सिर्फ आधार कार्ड हाथ में रखना होता है। तो मैं अभी आधार कार्ड उठा रही हूँ इसमें से। तो चलिए, आज का मेरा जो भी टूर होता है बस का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, अभी थोड़ा सा बारिश पड़ के रुका था और अभी नहीं है, तो चले निकलते हैं। मेरी बाइक वहाँ पर रुकी है, तो डोर को क्लोज कर लेते हैं। तो आफ्टरनून में ये देखिए सारे ये ईद के कपड़े जो है मैंने हाथ से वॉश करके यहाँ पे लगा दिया था। लंच हो चुका है, ये देखो रईसू, अभी चलो अपने शूज पहन लेती हूँ। बताओ रईसू, गाड़ी में नहीं जा रहे ना, बस में जा रहे। तो अभी निकल चुके हैं बाई वॉक, ये देखिए हम चल के जा रहे हैं बस स्टॉप के, बस स्टॉप थोड़ी दूर में लगता है हमारे। तब जो है बस स्टॉप पर आ चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। इस तरफ से एक बस जा रही है, ये देखो खा रही है कि बस जा रही है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा बैठने के लिए। अभी बस आ चुकी है, तो चलिए चढ़ते हैं इसमें। तो मैं और रईसू जो है बैठ चुके हैं बस में, ये देखिए रईसू को उस तरफ की सीट मिली है, मुझे इस तरफ की। हम हैं अभी इलेक्ट्रिक बस के अंदर। तो आधार कार्ड चेक करके हमें देखिए ये स्लिप मिली है यहाँ पर, ये टिकट मिली है मुझे और रईसू को, कंडक्टर ने हमें ये टिकट दी है। तो अब जो है मुझे जगह पर सीट मिल गई है और रईसू जो है विंडो सीट पर बैठ गई है और उसके बाद जो मैं बैठी हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट की साइड, तो हम लोग बस में जब चढ़े थे तब टाइम था 5:53, अभी टाइम हुआ है 6:12, लेकिन 10 मिनट्स के अंदर हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के पास आ चुके हैं। अभी बस 1-2 मिनट्स में हम बस स्टॉप पर चले जाएंगे शिवाजी नगर के। तो अभी हम ये शिवाजी नगर के बस स्टॉप पर आ चुके हैं, हम आए थे इस बस में, अभी ये रोड क्रॉस करके हम जाएंगे शिवाजी नगर, सामने जो मार्केट है वहाँ पर। तो वहाँ से मैं निकली थी 5:53 को, अभी टाइम हुआ है 6:17, 15 मिनट्स या 16 मिनट्स में हम लोग रीच कर चुके हैं। बहुत ही इजीली हमारा ये सफ़र रहा और फ्री टिकट थी, जो एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। तो बस स्टॉप के जो है टोटली बाहर आ गए हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं मार्केट की साइड। तो चर्च स्ट्रीट जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो अंदर जाएंगे, अंदर थोड़े बैग्स के दुकान है, वहाँ पर जाके चेक करूँगी। अभी शाम का टाइम हुआ है, बारिश आने के जैसा मौसम हो चुका है, जल्दी जल्दी फिनिश करके घर को चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है छतरी नज़र आ गई है, अम्ब्रेला। मैं सोच रही हूँ रईसू को ले कर दे दूँ, क्योंकि स्कूल को आना जाना होता है आफ्टरनून को सभी, तो अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए। चले प्राइस देखते हैं, कितना मामू ये? 100 रुपये। एक बैग का दुकान नज़र आया है, देखते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले बारबी की बैग मिल गई है रईसू को, पिंक वाली, बहुत अच्छी। चले इसका दाम पूछते हैं। एक ये बैग पसंद आ गई है रईसू को और एक यूनिकॉर्न की बैग पसंद आ गई है मुझे, ना ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये जो है ये क्वालिटी वाली चलती है ज़्यादा दिन, अभी यही यूज़ कर रही है रईसू ऑलरेडी। तो बहुत सारे वराइटीज़ हैं। और एक पर्स के ऊपर मेरा दिल लग गया, ब्यूटीफुल पर्स। ये क्या रेट का पर्स है? 1400। ये बैग जो है डन हो गई, बैग ले लिया है हमने, पसंद आया तुम्हें? इसको तो पिंक चाहिए, पिंक जो भी दिख जाता है ले लेती है। तो चलिए आगे से रईसू को जो है अभी अम्ब्रेला नज़र आ गए, उस तरफ अच्छी नहीं थी क्वालिटी, यहाँ देखते हैं जाकर। अम्ब्रेला कुछ अलग अलग डिज़ाइन है, ये 150 और ये भी 150 है, ये हम बैग में कैरी करके लेकर जा सकते हैं।
तो शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, रईसों को पानी पूरी खाना था और फाइनली आकर यहाँ पर रुक गई। तो ये है चर्च जो है बहुत ही मशहूर है शिवाजी नगर में यहाँ पर, और उसके सामने ये सारे जो है इस तरीके के स्टॉल्स भी हैं और दुकानें भी हैं। हमारी शॉपिंग तो हो गई है, बस मैं आप लोगों को साथ साथ में थोड़ा सा ये दिखाती हुई जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह से बाहर स्टॉल्स भी लगे हैं, अंदर स्टोर्स भी हैं, दुकानें भी हैं, कुछ इस तरह के रोड स्टॉल्स भी हैं और सामने रसूल मार्केट है। और हम इस तरफ हैं, यहाँ पर 100 रुपीज़ में यहाँ पर भी मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर कुल्फी 10-20 सारे प्राइस वाला यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आइसक्रीम ले लिया है ये देखिए। तो अभी मैं जाने लगी हूँ वापस से बस स्टॉप के पास, और ये देखिए सारे रोड के स्टॉल्स हैं। ये यहाँ पर दुपट्टे हैं जो 50 रुपीज़ फिक्स रेट के हैं, और ट्रैक पैंट्स, नाइट पैंट्स, ये सारा कुछ। और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि जामुन का सीज़न चल रहा है अभी। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं बस स्टॉप पर। ये देखो रईस की मनपसंद चीज़ें आज जो है मिल गई है। तो चलिए बस में अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पर हमने बहुत टाइम जो है आकर बस जो है कैच किया है, शादी से पहले बहुत बार आए हैं हम लोग इस बस स्टॉप पर। अभी जो है मैं बाइक चलाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर बस में ऑटो में सफ़र नहीं करती हूँ। तो आज आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलिए फिर से एक इलेक्ट्रिक की बस देखते हैं, क्योंकि इन बसेस में तो बहुत सारा ट्रैवल किया हुआ है पहले ही, इलेक्ट्रिक बस में बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पर फिर से हमें बिल मिल चुकी है, और कोई पैसा नहीं लिया, बस आधार कार्ड दिखाया और हमें टिकट मिल गई। और फिर से हमें उसी साइड की सीट्स मिले हैं, और इलेक्ट्रिक बस ही हमें मिली है। तो अभी टिकट हो रहा है अंदर। तो अभी जो है शिवाजी नगर बस स्टैंड से हमारी बस निकल गई है। ये देखिए बाहर का कुछ ये व्यू है, अभी इवनिंग का बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है, बारिश तो नहीं आई। हम लोग जल्दी अपनी शॉपिंग करके यहाँ से निकल गए हैं। देखिए यहाँ पर सो गई है, बच्चे को नींद आ गई। और आज का हमारा ये एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक बस का और साथ में फ्री टिकट का बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत इजी हो चुका है। अभी कहीं पर भी लेडीज़ को जाना और आना बहुत फैसिलिटीज़ कर दिया है गवर्नमेंट में हमारे लिए। अभी हम आराम से बैठ के जा रहे हैं। देखो रईसा सो भी गई है और मुझे सीट मिल गई थी तो मैं भी बैठ गई हूँ साथ में। तो अभी हमारी लोकेशन आ चुकी है, हमारा बस स्टॉप आ गया है, हम लोग उठ चुके हैं सीट से, अभी उतरते हैं हमारे बस स्टॉप पर। तो हम लोग घर को आ चुके हैं। ये देखिए रईसू सोकर आराम से बस का सफर किया, और रईसू की मनपसंद बैग भी मिल गई है पिंक कलर की। तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छी बैग मिल गई, क्वालिटी वाली अच्छी वाली बैग मिली है इस बार। लास्ट टाइम हमने ज़्यादा पैसे लगाए थे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये बोल के दिया था कि अच्छी है क्वालिटी लेकिन अच्छी नहीं मिली थी। आज जो है क्वालिटी भी अच्छी मिली है, रीजनेबल प्राइजेस भी मिले हैं, और हमने साथ में बस का जो है बहुत अच्छा सफ़र किया है, और फ्री टिकट में गए हैं, फ्री टिकट में आए हैं। तो ये है पुरानी वाली रईसू की बैग, और ये है नई वाली, सेम ही मिली है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। और ये थर्ड साइड की तो इससे थोड़ा सा बड़ी वाली है, रईसू को वहाँ पर यही पसंद आई थी।